वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। कई कह देंगे कि गुरु साहब साढ़े सिख धर्म च कोई कोतक नहीं करते, कोई चमत्कार नहीं करते। जिन्ने चमत्कार सिख धर्म दे विच मैं अपने देखे आ, उन्ने तां कोतक मैं किसी धर्म दे विच भी नहीं देखे हैगे। मैं हुण तुहानूं दसदी हाँ कि हरियाणे दे विच गुरुद्वारा बनिया जिथे कबूतर साहब गुरुद्वारा कह देंगे। कबूतर उत्थे बहुत सारे कबूतर सीगे, तो एक कबूतर कलगीधर पिता महाराज के घोड़े के थले आके मर गया। तो मुसलमान कहन लगे कि एक किदा दा इन्हां दा गुरु हैगा कि कबूतर मर गया हैगा, भी कबूतर मार दिता इन्होंने। तो कलगीधर पिता महाराज कहन लगे ये कबूतर जिहड़ा हैगा ये मेरा सेवक ही सी पहले जन्म के विच, ते इहदी इही ख्वाहिश सीगी ते मैं इहदी ख्वाहिश पूरी कीती हैगी आ। ते महाराज वो कहें अखे ये जालम बंदा हैगा। महाराज नूं जदों इदां कहन लगे, महाराज ने कहा सारे कबूतर मर जाण, ते उहनां दे सारे कबूतर मर गए। ते फिर उहनां नूं पता लगा कि ये तो वाकया ही कोई बहुत पहुँचे हुए गुरु हैगे आ। ते उहनां ने सारे उहनां दे पैरी पै गए कि सानूं माफ़ करो। ते महाराज ने फिर सारे कबूतर जिंदे करते, पर वह कबूतर की ख्वाहिश यही सी, महाराज का सेवक सीगा, ते महाराज ने उहदी इच्छा पूरी कीती। सो जो तुहाडी इच्छा हुंदी हैगी आ, जो तुसीं गुरु साहब को मंगदे हैगे आ, गुरु साहब उस तरह ही तुहाडी मनोकामना पूरी करदे हैगे आ। बहुत सारे कोतक देखे आ मैं कलगीधर पिता महाराज दे वी, धन धन शहीद बाबा दीप सिंह जी महाराज दे वी, ते गुरु तेग बहादुर जी महाराज दे वी। जिन्ने कोतक सिख धर्म दे विच हुंदे आ, उन्ने किसी धर्म दे विच भी नहीं हुंदे हैगे। ते जे कोई कह दे कि हाँ साढ़े तो कोई गुरु साहब कुछ करते नहीं जां कुछ दिखाते नहीं, बहुत कुछ दिखाते आ, वह गल वक्री आ कि साढ़े धर्म दे विच ये प्रचार करना कि ताकि लोग संगत जिहड़ी साध संगत हैगी आ वह इत्ते बिलीव ना करे चमत्कारां ते, ते गुरबाणी दे नाल जुड़े। जदों गुरबाणी दे नाल साध संगत जुड़दी आ ते गुरु साहब आपे तुहानूं रस्ता भी दिखा देंदे आ, दसदे भी तुहानूं हैगे आ कि तुसीं किहड़ी बाणी पढ़नी आ, किस तरह तुसीं करना हैगा, हर तुहानूं जीण दा तरीका, रहण दा तरीका, जिंदगी दे विच हर एक रस्ते दे विच तुहानूं कोल खड़ के गुरु साहब आप सारी तरह की सेवा करवाउंदे हैगे आ। इन्नी ताकत हैगी है साडे सिख धर्म दे विच। ते वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।